अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय सब्सक्राइबर, माय फैंस, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और फैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मेरा कंटेंट है, आज इस कंटेंट पर मैं बात करने लगी हूँ। आज है जुलकर नैन और कवल की वीडियो। तो मैंने जुलकर नैन और कवल की वीडियो देखी, और जैसे कि कल वाले जो है वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुलकर नैन ने कवल को चेयर जो है वो गिफ्ट करके दी। मेरे ख्याल से कल मैंने जो है वीडियो में डाला था, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। शायद मैं भूल गई हूँ कि मैंने बताया है कि नहीं बताया, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। तो कवल को जो है बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके कमर में दर्द रहता था। तो उसने जब जुलकर को बताया तो जुलकर ने फिर जो है उसे ज़ीरो ब्रांड की जो है चेयर लेकर थी, उसके ऊपर वो बैठी, मतलब एक मसाज टाइप सी है, इसके ऊपर बैठा तो जहाँ जहाँ पर दर्द होता है वहाँ वहाँ से मसाज के थ्रू वो दर्द चला जाता है। तो इस दौरान उसने अपनी अम्मी को कॉल की, अम्मी की खैर खैरियत पता करने के लिए कि उनकी तबीयत अब ठीक है। तो उन्होंने कॉल अटेंड की, उन्होंने पूछा किधर हो, तो जुलकर नैन ने जवाब दिया कि मैं भी कवल को लेकर ज़ीरो ब्रांड की तरफ आया हूँ, मसाज मशीन की तरफ, कि कवल को बहुत ज़्यादा पेन होती है कमर पे, और जब आइसल हुई, आइसल के होने के बाद उसकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इसलिए उसके लिए मैं आया हूँ ताकि वो मसाज मशीन चेक करे और हम घर लेकर जाएँ, और उसकी जो ये कमर दर्द है ये दूर हो जाए। जुलकर की बात सुनकर जो उसकी अम्मा है वो थोड़ा गुस्सा करती कहती है कि मैं कब से कह रही हूँ कि मेरी कमर में दर्द होता है, मुझे कुछ मसाज और मशीन ले दे। तो कहती मेरा भी मतलब यानी उनको उन्होंने थोड़ा सा ना थोड़ा गुस्सा किया। तो फिर जुलकर ने कहा कि अब तुमने आप जो है ना अम्मा आप टेंशन ना लो, मैं आपको भी लेकर दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर उसकी माँ ने कहा नहीं, बीवी और वालदैन का ना यानी सबका ख्याल जो है पहले तो कहती मतलब शुक्रिया, फिर उन्होंने कहा कि सबका ख्याल ना रखना चाहिए, सबका ख्याल रखा। तो जुलकर तो माशाल्लाह 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 जुलकर नैन हर एक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, बेगम को बहुत प्यार देता है, अपने पेरेंट्स को भी और अपनी फैमिली को भी। तो फिर जुलकर ने क्या किया कि वो गया, उसने कवल से कहा कि ठीक है कवल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं अपनी अम्मी के लिए भी ना मसाज मशीन ले लेता हूँ, ठीक है मसाज मशीन ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो उनको उनकी अम्मी गुजरात रहती हैं कवल और जुलकर नैन की, मैं उधर जो है जाकर गिफ्ट दे आता हूँ। तो फिर कवल ने कहा ठीक है बिल्कुल ऐसा करो ज़रूर। तो फिर जो कवल कुछ इस तरह की कुर्सी लेकर दी थी, उसी तरह की कुर्सी जुलकर ने अपनी अम्मी के लिए भी ख़रीदी। फिर आज के व्लॉग में वो लोग गए गुजरात का है, ठीक है, और फिर उसने जो है जुलकर ने अजान हो रही है, तो मेरे ख्याल से भी अजान का 2 मिनट के लिए हम लोग करते हैं, रुकते हैं, फिर बात करते हैं।
अच्छा, अज़ान ख़त्म हो गई, कलमा शाह कलमा पढ़ लिया और दुरुस्त भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि फिर जो ज़ीरो ब्रांड था उधर ही जुलकरनैन ने उनसे कहा कि आप क्या ये मशीन गुजरात तक डिलीवर कर देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ हम डिलीवर कर देंगे। फिर आज के व्लॉग में जुलकरनैन घर वालों को बताए बगैर उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए गया। कॉल और जुलकरनैन आए, जल्दी हो गए। तो जुलकर ने कॉल किया बरार को, बरार जुलकर का भाई है, उसने कहा कि बायर पार्सल है, पार्सल ले लो। असल में वो तीनों बायर खड़े थे और ट्रक भी बायर था, तो उसने अंदर अबरार को कॉल की, तो उन्होंने असल में इनको सरप्राइज़ देना था इसलिए उसने सिर्फ कॉल की। अबरार को ऐसल की आवाज़ आ गई थी, उसने कहा हाँ मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग आ गए, तुम लोग बाहर हो। उसने कॉल बंद की, बाहर आया तो बाहर वो लोग खड़े थे और ट्रक भी खड़ा था। ऐसल की वजह से जो है वो इसको पता चल गया था अबरार को, क्योंकि उसकी आवाज़ें बहुत ऊंची ऊंची थी और अंदर भी आ रही थी, तो अबरार को पता चल गया था। खैर वो आया, फिर अंदर आए, उन्होंने सरप्राइज़ दिया। अम्मी अबू जुलकर के कमरे में थे और बड़ा भाई जुलकर का और बड़ा छोटा भाई भी था घर पे। मुझे नींद बहुत शदीद आ रही है। खैर तो उसके बाद बाहर लेकर आए अपने वालदैन को, पेरेंट्स को लेकर आए जुलकर बाहर। अबू भी आए बाहर, अबू कहते ये क्या है, तो अबू के ये जुलकर कहते हैं कि ट्रक में मैं एक सरप्राइज लेकर आए। खैर वो लेकर आए चेयर, तो खुश थी मम्मी, बड़ी खुश थी, इसकी घर वाले खुश थे, अबू खुश थे, और फिर मम्मी अबू ने सब ने बार बार बैठ के मसाज ली और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और फिर उन्होंने बहुत दुआएं दी। फिर जुलकर ने, बात ये है कि जो इंसान अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश करता है, जो इंसान अपने मतलब मेहनत भी करता है अपनी फैमिली और डम जैसे अपनी फैमिली के लिए करता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ हमेशा होता है, उसको हमेशा कामयाब करता है, उसको हर चीज़ से नवाजता है, जो उसकी ख्वाहिश होती है, जायज़ ख्वाहिशात होती है उनको पूरी करता है। तो फिर जुलकर ने कहा कि इसी तरह अपने माँ वालदेन की खिदमत किया करें और उनको उनका ख्याल रखा करें। अच्छा जुलकर नैन के मुझे एक बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने कहा कि वो पैसा किसी काम का नहीं जो आपकी ज़िंदगी में सुख ना बन सके, सुकून ना बन सके। ठीक है, तो जब आप देखते हो ना कि ये चीज़ खरीद के मेरे पास पैसे हैं, तो उनको उस तरह ज़िंदगी में लगाओ कि वो आपका सुकून का ज़रिया बने, ठीक है, सुकून का बायस बने। तो ये इसकी बात मुझे अच्छी लगी और ये 100% सच भी है कि इंसान के पास पैसा जमा करने के लिए नहीं है, इंसान को पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, और किस चीज़ के लगाना, किस चीज़ के लिए लगाना चाहिए, ताकि उसको सुकून हासिल हो, यानी कि आप वो उस चीज़ पर आप पैसा लगाए जिससे आपकी ज़िंदगी में सुख पैदा हो। ठीक है, जैसे अभी मशीन ली है, ठीक है, मसाज मशीन, अब आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ स्टाइल में सुख पैदा होगा, ठीक है, तो इससे जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से इंसान फिर अपना जो है लाइफ स्टाइल वो भी अच्छे पर गुजारने लग जाता है, खुशबाश भी होता है, ठीक है, खुश खुश भी होता है। ये बेसिकली था टोटल कंटेंट, तो यानी ये बेसिकली था पूरा, वो थी वीडियो थी, ठीक है, और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उनको मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो है वो वॉइस वीडियो है, ठीक है, यानी वीडियो में कभी सुबह के टाइम, कभी रात के टाइम, कभी दिन के टाइम जो है वो बता दिया जाए, मतलब वो उसकी वो हो जाता है कि अगर सुबह के टाइम है तो मैं फिर छत पे
मतलब ये नहीं किसी भी वक्त मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि मैं वीडियो में मेरी वॉइस के थ्रू जो कंटेंट है वो बताए जाते हैं, ठीक है, और कंटेंट जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, मैंने एक और बात शेयर करनी थी, वो बात ये थी कि मैंने मूवी देखी थी एनिमल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मतलब कि इसके बारे में क्या राय है क्या नहीं राय है। मैंने बस जस्ट मतलब सुना है कि बहुत हिट हुई है, ठीक है, और बेसिकली जो है वो एक बाप और बेटे के दरमियान के प्यार और मोहब्बत के बेस पे बनी है। इसका जो था ना मेन, यानी मकसद ये था ना कि बाप और बेटे के दरमियान उस मोहब्बत की शिद्दत को, उस प्यार की शिद्दत को जाहिर करना। तो ये जो मेन चीज़ थी ये मतलब अच्छी थी, ठीक है, कि किस तरीके से दिखाया था कि एक बेटा अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब जो है ये, इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात करनी थी। तो हाँ, देखिए एनिमल, जिसका बेसिक पॉइंट ये था। तो मुझे पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा है। और इसके अलावा जुल्कर, दूसरा ये था कि जुल्कर नैना कवल का भी मैंने बता दिया, ठीक है, और ये दूसरा एनिमल के बारे में बता दिया। अब जो है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उनको ये बता दिया कि इसके अंदर सिर्फ जस्ट वॉइस होती है, आवाज़ होती है। और फिर अब ये है कि जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पहले भी सब्सक्राइबर ने, जो फैंस हैं उन्होंने कहा था कि फैन के मतलब आपका जो भी सवाल होता है ना उनके बारे में करना। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे आप कमेंट करें, कमेंट में जो है दुआएं दें, अच्छी अच्छी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, दुआएं दें कमेंट में, ढेर सारी आप प्यार दें, ढेर सारा, ठीक है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करे, अल्लाह ताला हर किसी से खुश हो, अल्लाह ताला हर एक के साथ